आर्बिटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आइए एकदम कमाल की तड़के वाली गर्मा गर्म खबरें आपके सामने हाजिर है। हमेशा की तरह लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, जिससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास। सबसे पहले पढ़ाई मजा आने वाला है, फटाफट से की टेक्निक शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते भैया सैमसंग से। सैमसंग की के सीरीज बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है भारत में। जी हाँ, K741, K746 ये दोनों स्मार्टफोन को ब्लूटूथ SIG सर्विस रिसीव हो चुका है, यानी इसका लॉन्चिंग काफी ज्यादा नजदीक है। अब देखते हैं कि सैमसंग की यही के सीरीज में जितने भी स्मार्टफोन आएंगे किस स्पेक्स के साथ और किस कीमत पे और कितनी जल्दी लॉन्च किए जाते हैं, इस बात का इंतजार है। आप क्या एक्साइटेड हो सैमसंग की के सीरीज को लेकर, नीचे कमेंट में जरूर से बताइए। OnePlus, जी हाँ, Nord Bird 2 बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाले, क्योंकि Nord Bird 2 को भी ब्लूटूथ SIG सर्विसन रिसीव हो चुका है, यानी लॉन्चिंग काफी ज्यादा नजदीक है। अब देखते हैं कि OnePlus Bird 2 को किस कीमत पे लॉन्च किया जाता है और कितना ही जल्दी, इस बात का इंतजार है। जी हाँ, आज की शाम OnePlus के नाम, जी हाँ भाई, OnePlus V Fold, OnePlus V Flip ये दोनों स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकते हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है इस पर टेस्टिंग चल रहा है अदर कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में। अब ये किस तरीके से कितनी जल्दी देखने को मिल जाता है भारत में या ग्लोबल मार्केट में, इस बात का इंतजार है। और आप हमें ये बताएं कि क्या ये OnePlus V Flip, V Fold ये दोनों स्मार्टफोन अगर भारत में आ जाते तो क्या सैमसंग को टक्कर दे पाएंगे, क्या सोच है आपकी इसके बारे में, नीचे कमेंट में जरूर से बताइए। ओप्पो की बात करते हैं, ओप्पो रेनो 8T ये जो स्मार्टफोन है वो 3 फेब को लॉन्च होने वाला है, हमने आपको कल ही बताया था। पर अब कहा जा रहा है कि ओप्पो रेनो 8T 5G स्मार्टफोन के साथ ओप्पो के एक बर्ड भी लॉन्च किए जाएंगे, जिसका नाम है ओप्पो इनको L3। और ये जो बर्ड है वो किस कीमत पे लॉन्च होते हैं और क्या स्पेक्स के साथ लॉन्च किए जाते हैं, ये तो हमें 3 फेब को पता चल ही जाएगा। जी हाँ, मनु कुमार जैन शाओमी के जो VP है, ग्लोबल VP, उन्होंने रिजाइन रख दिया। जी हाँ, 9 साल तक लगातार शाओमी के साथ खड़े रहने वाले जो मनु कुमार जैन है वो अब ट्वीट करे शाओमी को। अब देखते हैं किस कंपनी को ज्वाइन करते हैं वापस से, इस बात का इंतजार रहेगा। जी हाँ, मोटा भाई के तरफ से खबर है। जी हाँ, मोटोरोला के तरफ से भाई कहा जा रहा है कि मोटोरोला एज 40 प्रो ये जो स्मार्टफोन है वो बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकता है। कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ ही लॉन्च किया जाएगा और ये जो स्मार्टफोन है वो रिबैज यानी रिब्रांडिंग होने वाला है मोटो एक्स 40 का, जो कि हाल ही में चाइना में लॉन्च किया गया, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया था। और कहा जा रहा है कि यही सेम स्पेक्स के साथ इसको ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा, बट नाम होगा मोटोरोला एक्स 40 प्रो। अब देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन इसको किस कीमत में लॉन्च किया जाता है स्पेशली भारत में, इस बात का इंतजार है। और आप क्या एक्साइटेड हो मोटोरोला के यही स्मार्टफोन को लेकर, नीचे कमेंट में जरूर से बताइए। काम डिटेल की बात करते हैं, अगर आपको चाहिए बहुत ही बेहतरीन 5G स्मार्टफोन वो भी अंडर 20,000 रुपीज में, जी हाँ 20,000 रुपए के अंदर, तो ये जो डील आपके लिए काम की होने वाली है भैया आईकू की तरफ से वाला आईकू Z6 Pro ये जो स्मार्टफोन है फिलहाल Amazon पर बहुत ही बेहतरीन कीमत में देखने को मिल जा रहा है। ये 5G स्मार्टफोन और Qualcomm Snapdragon 778G चिपसेट के साथ आता है, सुपर AMOLED पैनल के साथ, तो काफी बेहतरीन स्पेक्स है इस स्मार्टफोन की। और ये जो स्मार्टफोन है अभी इसकी जो कीमत है वो 22,999 रुपए, जी हाँ काफी कम है। और इसमें भी अगर आपके पास ICICI और HDFC बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो फ्लैट 3,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी ऑफ देखने को मिल जा रहा है। अगर आपको चाहिए तो इफेक्टिव प्राइस निकल के आ जाएगी 19,999 रुपए, काफी बेहतरीन डील है। अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हो तो इंडूस ये जो गेम है वो लॉन्च होने वाली है, जी हाँ बहुत ही जल्दी प्री रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं। एक मेड इन इंडिया गेम है, बैटल रॉयल गेम है, पबजी, एपेक्स लेजेंड, Fortnite इस तरीके की गेम को टक्कर देने के लिए आ रही है। जी हाँ, और ये जो गेम इसका ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है, आप जरूर से जाके देख सकते हो। और प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है तो जरूर से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो बस आज की एपिसोड में खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पे आप जरूर से नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।